श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज ने उनकी हंसी उड़ाते हुए क्या बोला कि कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ ये अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत की कथा। तो इससे प्रमाणित होता है कि जो भागवत गुरु की कथा है वो अमृत से भी बहुत अधिक श्रेष्ठ है। गुरु महाराज जी की कथा में श्रवण किया कि भागवतम जो लिपिवत भागवतम है वो कृष्ण का ही स्वरूप है, वो तो बहुत श्रेष्ठ है ही, लेकिन जो भागवतम है वो हमको शिक्षा प्रदान तो करती है लेकिन आचरण करके नहीं दिखाती। आचरण करके हमको कौन दिखाता है? आचरण करके हमें भक्त भागवत दिखाता है। जैसे गुरुदेव हमारे महाराज जी लोग वो कैसे करते हैं, जो भागवतम का वास्तविक अर्थ है उसको टीका के साथ टोन के साथ क्या करते हैं उसको हमको समझाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले महाराज ने बताया कि कुछ वस्तु लिखी हुई है, अगर उसको उस टोन में ना पढ़ा जाए तो उसका जो वास्तविक अर्थ है उसको हम समझने में सक्षम नहीं है। तो जो भक्त भागवत होते हैं वो क्या करते हैं, भागवतम को समझ के उसको अपने जीवन में आचरण करके उस टोन के साथ टीकाओं के साथ सार के साथ विस्तार के साथ वो क्या करते हैं, वो भागवतम उनको श्रवण कराते हैं। तो भागवतम में ही और इस भागवतम की कितनी महिमा है उसको बताते हुए गुरु महाराज ने बताया कि यदि कोई गंगा को साधारण जल बोले वो उसको जो अपराध लगता है, और जो गिरिराज गोवर्धन को साधारण शिला या पत्थर बोले, गुरुदेव को साधारण मनुष्य बोलना तथा वृंदावन धाम को एक साधारण स्थान बोलने पर जितना अपराध या पाप लगता है उतना ही अपराध पाप भागवतम को एक साधारण ग्रंथ एक साधारण किताब बोलने में लगता है। तो ये जो भागवतम है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। शास्त्रों में बताते हैं कि यदि कोई शास्त्र यदि कोई ग्रंथ यदि कोई पुराण किन्हीं दस विषयों पर ठीक रूप से प्रकाश डालता है तो वो क्या कहलाता है, वो महापुराण कहलाता है। तो भागवतम एक ऐसा पुराण है जो इन दस विषयों में पूर्ण रूप से प्रकाश डालता है। वो दस विषय क्या है, दस विषय हैं अत्र सर्गे विसर्गे च स्थानम पोषणम उत्तया मनवंतरे विषाणुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। ये दस क्या है, ये दस विषय हैं, इन दस विषयों पर भागवतम क्या करता है, पूर्ण रूप से प्रकाशित डालता है। ये दस विषय क्या है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर विषाणुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। तो ये दस विषय क्या हैं, इनमें सबसे पहले बताया गया सर्गे। सर्गे अर्थात जगत का सृष्टिकरण। भागवतम में जगत के सृष्टिकरण के विषय में क्या बताया गया है, उसमें प्रारंभिक से ही बताया गया है जगत। सर्ग अर्थात जगत का सृष्टिकरण जो कि किसके द्वारा है, जो कि माइक जगत के द्वारा है, माइक अर्थात भगवान की माया के द्वारा है। और भगवान की माया के द्वारा जो सृष्टि हुई वो छह प्रकार से हुई थी। क्या, सबसे पहले जब भगवान की इच्छा हुई कि सृष्टि का जन्म हो सृष्टि की स्थापना हो तो भगवान की जो इच्छा शक्ति है उस निष्क्रिय से सक्रिय हो गई। भगवान की इच्छा को जानकर जब भगवान ने उनके दृष्टिपात किया तो उन्होंने छह तत्वों का क्या किया, छह तत्वों को प्रकाशित किया। पहला महत्व तत्व, दूसरा अहंकार, तीसरा सात्विक अहंकार, चौथा राजसिक अहंकार, पांचवा सात्विक अहंकार और छठा अज्ञान। तो इन सब तत्वों को मिलाकर जो पहला विषय आता है वो क्या है, सर्ग। सर्ग अर्थात जगत का सृष्टिकरण। दूसरा जो विषय है वो आता है विसर्ग अर्थात विशेष रूप से सृष्टिकरण। विशेष रूप से अर्थात कि माया के द्वारा जो इन छह तत्वों का निर्माण किया गया था, ब्रह्मा जी ही भगवान की इच्छा से क्या करते हैं, उन तत्वों को उपयोग करके वो क्या करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। और ब्रह्मा जी कितने प्रकार की सृष्टि करते हैं, पांच प्रकार से। पहला स्थावर जो वृक्ष हैं पहाड़ इत्यादि हैं, दूसरा तीर्य जो जंतु हैं कीड़े मकोड़े हैं चलने वाले हैं, तीसरा मनुष्य, चौथा देवता और पांचवा उभय जिसमें सनक आदि और नारद जी इत्यादि आते हैं। तो दूसरा विषय क्या हुआ, विसर्ग जो ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की गई थी जिसको वैराज सृष्टि भी कहते हैं। जो तीसरा विषय है वो है स्थान। स्थान अर्थात कि ब्रह्मा जी कहाँ
उससे उत्पत्ति हुई तथा ब्रह्मा जी का कहाँ अंत हुआ। विरजा नदी क्या है, स्वर्ग नर्क क्या है, वैकुंठ लोक क्या है और अन्य अन्य लोक क्या है, इन सब वस्तुओं के विषय में जो बताता है वो विषय है स्थान, जो कि तीसरे नंबर पर आता है। चौथा क्या है, पोषण, जो पोषण अर्थात जो भक्तों का पोषण करता है, कथा तत्व सिद्धांत रसिक आदि जो कथा के द्वारा भक्तों का पोषण करता है। और पांचवा है कुति, कुति अर्थात कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, कुति से उत्पन्न हुआ उतया अर्थात दो विपक्ष स्वभाव, उनके विषय में क्या करता है जो बताता है, जैसे सुर असुर, भक्त दानव इत्यादि, जो जो विपरीत स्वभावों के विषय में बताता है वो होता है कुति। ये कौन सा विषय है, ये पांचवा विषय है। छठा विषय है मनवंतर अर्थात कितने मनु ब्रह्म कितने 14 मनमंत्रों के विषय में जो बताता है, ब्रह्मा जी के मूल में कितने मनमंत्र होते हैं और उनकी आयु अथवा भगवान के उस मनमंत्र में कितने अवतार होते हैं, जो इनके विषय में बताता है वो विषय है मनमंत्र। सातवा होता है ईशान कथा, ईश अर्थात भगवान, कथा मतलब उनकी जो कथा है, जो भगवान के अवतारों का वर्णन करता है, राम अवतार, परशुराम अवतार इत्यादि। और जो आठवां विषय है वो है निरोध, निरोध अथवा चित्त की पाप, चित्त तथा पाप की जो वृत्ति है उसको नष्ट करने का साधन क्या है। हम लोग क्या करते हैं, पाप को करते हैं, पाप करने के पश्चात गंगा में जाकर स्नान कर लेते हैं, सोचते हैं कि हमारे पापों से हमारी मुक्ति हो गई, लेकिन पूर्ण रूप से उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि पाप करने की वृत्ति जो है वो तो अभी भी हृदय में ही विराजित है। तो ये जो आठवां विषय है निरोध, ये क्या करता है, पाप को, पाप की वृत्ति को नष्ट करने का साधन क्या है वो बतलाता है। नौवा है मुक्ति, कि किस प्रकार से बद्ध जीव की मुक्ति हो, ये नौवा विषय है। तथा दसवा विषय क्या है, आश्रय, जीव के लिए आश्रय तत्व कौन है, उनका नाम रूप गुण लीजा इत्यादि क्या है। तो ये 10 विषय हैं, जो भी पुराण इन 10 विषयों पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालता है वो पुराण क्या कहलाता है, वो महापुराण कहलाता है। और भागवतम जो है वो भागवतम महापुराण है, और भागवतम के अंदर ये 10 विषय क्या है, पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं। अब जैसे गुरु जी की कथा में श्रवण किया कि हम लोग संक्रांति मनाते हैं, संक्रांति अर्थात सूर्य का किसी दिशा में या किसी वस्तु में प्रवेश करना, तो कुल कितनी राशियाँ होती हैं, 12 राशि होती हैं। तो जिस समय जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करता है तो हम क्या बनाते हैं, मकर संक्रांति बनाते हैं। लेकिन गुरु जी बता रहे थे कि कितनी संक्रांति होती हैं, टोटल मिला के 12 संक्रांति होती हैं, लेकिन हम किसको जानते हैं, हम लोग केवल मकर संक्रांति को ही जानते हैं। तो उसी प्रकार से जो भागवतम नामक जो सूर्य है वो क्या करता है, 12 स्कंदों के द्वारा क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो 12 स्कंद में, स्कंद हैं 12 और ये जो विषय हुए ये हुए 10, तो कौन सा विषय कौन से स्कंद को प्रकाशित करता है उसके विषय में आगे बताते हुए कह रहे हैं। जो पहले 2 स्कंद हैं वो जो 2 स्कंद हैं वो क्या है, वो अधिकार लीला है। ये क्या करता है, साधक का जो अधिकार है, जो बेस है, उसका निर्माण करता है कि इन 2 स्कंदों को पढ़ने के पश्चात साधक को अधिकार प्राप्त होता है कि वो आगे की और भागवतम का सेवन करे। तो ये एक आचार्य का मत है, अलग अलग आचार्य के अलग अलग मत हैं। तो यानी दूसरे आचार्य का मत ये है कि दूसरे व तीसरे स्कंद में सर्ग अर्थात सृष्टि का वर्णन है, दूसरे और तीसरे सर्ग में क्या है, सर्ग अर्थात सृष्टि का वर्णन है। और जो चौथा सर्ग है, चौथा स्कंद है, उसमें विसर्ग जो विशेष रूप से सृष्टि है उसका वर्णन है। पांचवें स्कंद में कहा स्वर्ग व नर्क का वर्णन है, पांचवें स्कंद में क्या है, स्वर्ग व नर्क का वर्णन है। छठे स्कंद में पोषण अर्थात अजामिल की रक्षा, अजामिल की जो रक्षा की भगवान है उसका वर्णन आता है, तथा चित्र केतु जो बाद में गर्दासुर बन जाते हैं उनका वर्णन आता है। तो जो आगे है सप्तम स्कंद में उतया अर्थात दो विपरीत विपक्ष स्वभाव, जैसे प्रहलाद महाराज जी और हिरण्यकश्यप,
एक बताते हैं कि क्या करना है और दूसरे बताते हैं क्या नहीं करना है। तो जो दो विपक्ष स्वभाव हैं वो किस विषय में आते हैं, कुतिया, जो कि सातवें स्कंद में आता है। आठवें स्कंद में है मनमंत्र, अर्थात गजेंद्र सुंद की कथा, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, कुंभ अवतार, कुर्म अवतार आदि की कथा है। आगे नवम स्कंद में आता है ईशान कथा, अर्थात भगवान की जो ईश अर्थात भगवान जो उनकी कथाएं हैं, जैसे जिनमें आते हैं कि राम अवतार की कथा, परशुराम जी की कथाएं इत्यादि। और दशम स्कंद में है निरोध, अर्थात जिससे क्या होगा, निरोध क्या था, निरोध था कि चित्त की वृत्ति का नष्ट हो जाना। तो दशम स्कंद में जो निरोध है उसमें है भगवान की लीलाएँ, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से, उनके विस्तार रूप से वर्णन करने से जो सुन ले उसकी क्या हो जाती है, चित्त वृत्ति निरोध का, जो उसके पाप करने की जो वृत्ति है, अपराध करने की जो वृत्ति है वो जड़ से ही समाप्त हो जाती है। और दशम स्कंद में क्या है, भगवान की जो रसिक लीलाएँ हैं उनका वर्णन आता है। और जो ग्यारहवा स्कंद है उसमें है मुक्ति, भगवान व उद्धव के बीच में जो संवाद हुआ उसको पठन कीर्तन आदि करने से जो साधक है उसको क्या होता है, उसको मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो बारहवा स्कंद है वो है आश्रय। बारहवा स्कंद को श्रवण करने के बाद जब सुखदेव गोस्वामी पाद भागवतम पूर्ण करके जब चले जाते हैं तो परीक्षित महाराज जी क्या करते हैं, भगवान का आश्रय लेकर अपने प्राणों का त्याग कर करके आत्मा कर जाते हैं, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग ये एक आचार्य का मत है, किन्हीं और आचार्य का मत ये है कि वो कहते हैं कि भगवत धाम के प्रत्येक स्कंद में ये 10 विषय प्रकाशित होते हैं। तो ये जो भागवतम है ये क्या है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तो जो इन 10 विषयों पर पूर्ण रूप से जो भी शास्त्र प्रकाशित करता है वो क्या कहलाता है, वो महापुराण है। और भागवतम एकमात्र ऐसा शास्त्र है, एकमात्र ऐसा महापुराण है जो इन 10 विषयों को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है। राजा बड़ा पंडित जी और सुन रहे क्यों तुम तो कौन साल बोले आज बोलो अच्छा आजा कल अपनी का सेवा आजा बोलो अभी तो आजा तुम आज सारा दिन क्या कर रहे हो कोई काम काम नहीं है आज क्या बोलेंगे कल का सुना दें अगर बोलेंगे कल का सुना कल परसों का जो कि नया कुछ होता है नया क्या बहुत विस्तार से हमारे लिए बहुत लंबे से है ये। आप एक बार इसको अच्छे से करवा देंगे तो सबको हो जाएगा, अभी तो पता नहीं तो समझ में आएगा। ज्ञान शिविरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाभया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म इष्टपाद इष्टोत्कर्ष श्री श्रीरंजी साई कलिकराचार्य मुक्तिविदान शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडम प्रणाम करता हूँ। एवं मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद परमेश्वर गुरु जी के चरण कमलों में दंडम प्रणाम। एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में यथाविज्ञ प्रणाम। जो हमें भागवत श्रवण करा रहे हैं उसी में मुझे जो प्रसंग दे रखा है मंगलाचरण का, उसी में जन्मादस्य श्लोक जो है उसकी व्याख्या हो चुकी है और दूसरा श्लोक धर्मापरोजित केतुवत्र उसकी व्याख्या चल रही थी, उसी प्रसंग में आगे मैं इसको पुनरावृत्ति करने की चेष्टा करता हूँ। श्लोक है जिसमें वस्तु निर्देश मतलब वास्तविक वस्तु विषय क्या है, भागवत का वास्तविक विषय क्या है उसका जो है इसमें निर्देशन किया गया है।
श्लोक है धर्मा प्रोजित के त्वत्र परमो निर्मत्सरणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु सिद्धम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किन्वा परेरीश्वर सद्य हृदय अवृद्धत्यत्र कीर्तिवि शुश्रु सुविस्तक्षण। इसमें सबसे पहले शब्द आया धर्म, यहाँ पे धर्म का अर्थ बताया था पर धर्म, मतलब परमाने श्रेष्ठ और धर्म मतलब श्रेष्ठ धर्म। इसमें पर धर्म किसको बताया? भगवान की सेवा को। जीव का जो वास्तविक धर्म है वो क्या है? भगवान की सेवा करना। अब इस जगत में आने के कारण माया से बद्ध हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया कि मुझे भगवान की सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। उसे भूलकर यहाँ पे माता की सेवा, पिता की सेवा, भाई बंधु, पुत्र, संसार की देश की सेवा इत्यादि इत्यादि में लग गया। गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान की सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि तुम सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। शरण क्यों बुला रहे हैं? कारण क्या है? अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जीव इस जगत में आकर क्या करता है? पुण्य कम और पाप ज़्यादा करता है, तो उसी से दूर करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ पे भगवान जो क्या कह रहे हैं, पापों से मुक्त करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जीव का धर्म क्या है? पाप से मुक्त होना थोड़ी है। उसका वास्तविक धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। लेकिन इसमें सेवा का तो कोई मूल दिखाई नहीं दे रहा किसी भी प्रकार से। इसलिए जब राय रामन संवाद हो रहा था तो महाप्रभु ने पूछा कि क्या, हाँ कहो राय साध्य निर्णय। तो उन्होंने बताया, राय रामन रामानंद जी ने बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लेकिन महापुर में क्या कहा? एहो बाह्य आगे कहो वार। इसका मतलब इसको भी जो है महापुर ने क्या कह दिया? आगे कहो, ये जो है बाह्य है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। अब भागवतम में भगवान स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं आज्ञा एवं गुणान दोषान धर्मान संतंजय सर्वान मयाधिष्ठान अभी स्वकान धर्मान संतज्य माम भजित सत्यमान। इसमें कह रहे हैं कि भगवान हे उद्धव, मैंने जो है शास्त्रों में सभी प्रकार से गुण और दोषों का वर्णन किया है, तो इनको विचार करते हुए जो मेरा भजन करता है वह क्या है? माम भजित सत्यमा, वो सप्तम मतलब जो श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ संत हैं, उनमें सप्तम है मतलब श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि गुण दोषों का विचार करके जो मेरा भजन करता है, लेकिन क्या वो वास्तविक सेवा है? गुण दोषों का विचार, यहाँ पर गुण दोषों का विचार किया जा रहा है, क्या वो वास्तविक सेवा है? नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, उसका पति कैसा है? गुणवान है, धनवान है, चरित्रवान है, सुंदर है। अब वो इसलिए अगर अपने पति से प्रेम करती है कि मेरा पति जो है सुंदर है, चरित्रवान है, गुणवान है, धनवान है, अगर पड़ोस में उससे भी गुणवान उससे भी धनवान उससे भी चरित्रवान पुरुष मिल जाए, तो इसका मतलब उसे छोड़कर के बहुत उसके साथ चली जाएगी। इसका कहने का मतलब, इसमें उदाहरण कहने का मतलब ये है, क्या ये वास्तविक प्रेम है? पत्नी का पति के प्रति ये वास्तविक प्रेम है? नहीं है। जहाँ पर गुण दोषों का विचार किया जा रहा है वहाँ पर भी प्रेम नहीं है, इसलिए इसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया। फिर आगे जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है महाप्रभु ने बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अभिन्न स्वरूप राधा कृष्ण मिलित, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? आशीलस्य वा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनात्।
मर मताम करो तू वा यथा तथा वा विधातु मत प्राण नातस्तु मत प्राण नातस्तु स एव नापरा लंपटो मत प्राण नातस्तु स एव नापरा। क्या कह रहे हैं? आशीलस्य वपादरताम कि महाप्रभु जो हैं राधा रानी के भाव में आविष्ट होकर के बोल रहे हैं कि आप चाहे मुझे कितना भी कष्ट दें, पैरों तले रौंद डालें, मेरे सामने किसी दूसरी के दूसरी स्त्री के साथ प्रेम करें, तो लेकिन आप क्या हैं, फिर भी मेरे प्राणनाथ आप ही हैं। अगर कोई साधारण स्त्री इस प्रकार से करे तो क्या होगा? वहाँ जो है वो पति जो है, अगर साधारण स्त्री अगर इस तरीके से विचार करेगी, ऐसा कहेगी, तो लेकिन वहाँ पे जो है ना सही तालमेल नहीं बैठ पाएगा। लेकिन ये जो है वास्तविक प्रेम है, वास्तविक प्रेम महाप्रभु ने ही ये इस उपदेश को जो है दिया है, गीता वाले उपदेश को और भागवतम के उपदेश को जो है इससे महाप्रभु के उपदेश से श्रेष्ठ बताया है। हाँ, महाप्रभु ने जो उपदेश दिया है क्या कि जीव का वास्तविक धर्म क्या है? भगवान की सेवा। तो यहाँ पर जो महाप्रभु कह रहे हैं कि राधा रानी के भाव में कि आप चाहे मुझे पैरों तले रोन डालें, मेरे सामने किसी दूसरी स्त्री के साथ भोग करें, या आप मतलब लंपट लंपट भी कह दिया तो इस प्रकार, लेकिन मेरे प्राणनाथ आप ही हैं। तो ये जो है वास्तविक सेवा है, और दास का क्या कर्तव्य होता है? भगवान की सेवा करना। महाप्रभु ने दूसरी तरफ कह दिया ना हम विप्रो ना च नरपति ना वैश्य ना शूद्रो, कि मैं जो है ना राजा हूँ ना ब्राह्मण हूँ ना क्षत्रिय हूँ ना वैश्य हूँ ना शूद्र हूँ, क्या किंतु प्रोद्यत निखिल परमानंद पूर्णात पूर्णामृताब्दे गोपीर भर्ति पद कमले और दास दासानुदास, कि आप मैं जो हूँ क्या हूँ? गोपी भर्तु। गोपी भर्तु कौन है? कृष्ण। उनके दासों के दासों का दास हूँ, मतलब दास एकदम सबसे निकृष्ट, अगर संसार में देखो सबसे निकृष्ट शब्द दास, लेकिन भक्ति मार्ग में यह सर्वश्रेष्ठ है। दास शब्द जो है सेवा को सूचित करता है। दास किसकी सेवा करेगा? मालिक की सेवा करेगा। और जीव के जो मालिक है वो कौन है? भगवान कृष्ण। इसलिए उनका ही जो है सेवा करना उसका सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यहाँ पर जो है यह बताया कि पर धर्म क्या है? यह है, वो भी कैसा है? वो भी कैसा होना चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष से रहित प्रोज्जित कैत्वो अत्र। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको जो है कपट बताया कि इनसे भी रहित होना चाहिए वो धर्म, पर धर्म। जब भगवान की सेवा है वहाँ पर ये सब नहीं चलेगा कपट, वो एकदम एकदम विशुद्ध रूप में जो है भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। पिछली बार ही बताया कि धर्म जैसे एक उदाहरण के माध्यम से बताया थी, एक ब्राह्मण है और वो जो है एक मंदिर में सेवा करता है और पुत्र है पत्नी है, अब उनका पालन पोषण करता है, पुत्र पढ़ने जाता है तो क्या करता है? एक मंदिर में सेवा करता है, अब पुत्र ने कोई कामना कर दी पिता के समक्ष तो वो क्या करेगा? अब वहाँ से तो उसका पूरा वो कामना पूरी नहीं होगी तो वो दूसरा मंदिर पकड़ लेगा। वो क्या कर रहा है? धर्म के लिए कर रहा है, और धर्म किस लिए कर रहा है? अर्थ, अर्थ के लिए। वहाँ से उसको दो जगह अर्थ मिल जाएगा, पहले मंदिर से भी और दूसरे मंदिर से भी। अब अर्थ मिल जाएगा तो क्या होगा? फिर वो उस बच्चे की कामना को पूरा करेगा। लेकिन मोक्ष के बारे में बहुत कम सोचते हैं, जैसे कि भागवतम में बताया रजो भी संख्याता पार्थी वैरी है जंतवा तेसाम ये केचने हंते श्रेयो श्रेयो वे मनुजालय प्रायो मुमुक्षुवस् तेसाम केचने द्विजोत्तम मुमुक्षुणां शेषेषु कश्चन उत्तित कश्चन मुच्चे सिद्ध्यति और यतामपि सिद्धानां नारायण परायणः। उसने बताया कि संसार में जितने धूल के कण हैं उतने ही जीव हैं, उनमें से ही कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अपना कल्याण कल्याण के बारे में सोचते हैं। फिर उसने बताया कि उन हजार जो
अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं, उन हजारों में से कुछ ही ऐसे हैं जो मोक्ष की कामना के बारे में विचार करते हैं। अब उन मोक्ष चाहने वाले हैं, उन मोक्ष चाहने वालों में से भी कोई एक नारायण परायण भक्त होता है, भगवान का भक्त होता है। तो इसमें बताया कि विरले ही होते हैं जो मोक्ष के बारे में सोचते हैं, अधिकतर तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर में ही लगे रहते हैं, धर्म अर्थ काम के चक्कर में ही लगे रहते हैं, मोक्ष के बारे में कम सोचते हैं। फिर बताया परमो निर्मत्सरणाम सताम, परम निर्मत्सर साधु है ना, जो परम निर्मत्सर साधु हैं उनका आश्रय लेने से क्या होता है। अब निर्मत्सर साधु कैसे होते हैं, जैसे हम सुनते हैं निष्किंचन अकिंचन शब्द सुनते हैं, अब किनको कहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता उसको निष्किंचन कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बाहर सड़क में रोड के किनारे कितने सारे लोग पड़े रहते हैं, उनके पास भी तो कुछ नहीं होता है, तो उनको अकिंचन कहेंगे, उनको अकिंचन नहीं कहेंगे। अकिंचन और निष्किंचन का शब्द का अर्थ बताया कि जिनके पास केवल एक ही संपत्ति है, एक संपत्ति क्या है, कृष्ण प्रेम ही जिनकी एक संपत्ति है, उनको निष्किंचन बताया, बाकी उनके पास कुछ हो या ना हो वही जो है निष्किंचन है। बाकी ये जो सड़कों पर घूमते रहते हैं इधर उधर देखते हैं बैठे हुए मिलते हैं, इनको निष्किंचन नहीं कहा। तो ऐसे जो निर्मत्सर साधु हैं उनका आश्रय ग्रहण करने से ही हम जो है भगवान को और भागवत को समझ सकते हैं। वेद्यम वास्तवम अत्र, वेद्यम वास्तवम, वास्तव वस्तु को जानिए, इसमें बताया वेद्यम वास्तु इस अत्र मतलब इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, भागवतम के माध्यम से हम वास्तव वस्तु को जान सकते हैं। वास्तव वस्तु भगवान, भगवान के भक्त और श्रीमद् भागवत, इन तीनों को हम जो है जान सकते हैं इस भागवत के माध्यम से। वास्तव वस्तु बताया कृष्ण ही जो हैं वास्तव वस्तु हैं। फिर बताया तापत्रयोन्मूलनम, जो ये श्रीमद् भागवत है वो क्या करता है, तीनों तापों को नष्ट कर देता है। तीन ताप कौन कौन से हैं, आदिदेविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। आदिदेविक ताप कौन से होते हैं, जो हमें देवताओं से प्राप्त होते हैं। देवता भी जो दो प्रकार के होते हैं, देवता और उपदेवता। उपदेवता जो भूत पिशाच इत्यादि होते हैं। देवता किस प्रकार के कष्ट देते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, और भूत पिशाच वो जो उपदेवता होते हैं वो करते हैं एक दूसरे के मतलब दूसरे जीवों के शरीर में घुस जाते हैं और उनको कष्ट देते हैं। तो ये भी जो है दो प्रकार से कष्ट प्राप्त होते हैं आदिदेविक। आदिभौतिक, आदिभौतिक मतलब जो जीव हैं, भौतिक जीव हैं, उनसे उनके द्वारा जो कष्ट प्राप्त हो जाए, उसमें चार प्रकार के जीव बताए, अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज। ये चार प्रकार के जो जीव होते हैं इनसे जो कष्ट होते हैं, जैसे सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, जो कोरोना वायरस, कोरोना वायरस चल रहा है आजकल, ये भी जो है आदि भौतिक कष्ट ही है, आदिदेविक। हाँ आदिदेविक नहीं, भौतिक में आएगा आदिदेविक। ये भी जो है चार प्रकार से प्राप्त होते हैं। फिर आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ताप हमारे मन से, मन ही किसी ने कुछ कह दिया और अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, इस प्रकार से इन तीनों तापों को भी जो है ये क्या करता है, तीनों तापों को भी नष्ट कर देता है। ऐसे नहीं इनको समूल नष्ट कर देता है, कोई लेश मात्र भी इनका जो है निवास नहीं है, नहीं रहता शरीर में। फिर बताया श्रीमद् भागवते महामुनि कीर्ते, श्रीमद् भागवते महामुनि कीर्ते, जो क्या है, श्री वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसमें टीका में बता रहे हैं, यहाँ पे वेद व्यास जी को नहीं बताया, उन्होंने बताया कि नारायण जी ने इसकी रचना की और उनकी कृपा से ही जो है ये गुरु परंपरा के माध्यम से आगे आगे प्राप्त हुआ है सभी को। किन्वा परेरिश्वरा, जो ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, तो इसके अलावा हमें किसी और की क्या आवश्यकता है, जो क्या करता है, सद्य हृदय अवरुद्धते, हृदय अवरुद्धते अत्र, सद्य मतलब तुरंत, हृदय अवरुद्धते अत्र,
अत्र मतलब इसमें बताया श्रीमद् भागवतम में, अवरुद्ध अवरुद्ध कर देता है किसको, वास्तव वस्तु भगवान को हृदय में अवरुद्ध कर देता है। इस भागवत को जब हम श्रवण करते हैं, इसका पठन पाठन करते हैं, तो उससे क्या होता है, भगवान हृदय में बंध जाते हैं। और कीर्तिवी शुश्रु सुविस ततक्षणात्, कीर्तिवी मतलब होता है भागवतम है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, कि जब जन्मों कोटि जन्मों की सुकृति उपस्थित होती हैं तब इसको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब जो सुकृतियां होती हैं, सुकृति बताया कि जन्म जन्मों की कोटि कोटि जन्मों की सुकृतियां जब इकट्ठी होती हैं, ऐसा नहीं है कि अगर इसी जन्म में भी कोई भगवान की थोड़ी बहुत जाने अनजाने में सेवा कर देता है तो वो भी जो है उससे भी सुकृतियां बन जाती हैं। उस सुकृति के माध्यम से साधु संग होता है और साधु संग के माध्यम में इस हमें जो है भगवान के बारे में भक्ति के बारे में सब कुछ श्रवण का फल मिलता है। इसलिए शुश्रु सुविस ततक्षणात् कि इस प्रकार जो है अन्य शास्त्रों को छोड़कर हमें जो है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। बस वांछा कल्पतरुभ्य कृपा संदेव च पतिता नाम पावने के वैष्णव। अरे रुक जा, मुझे प्राप्त खा दिया जाए। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला भ्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला भ्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे मैया कुंती भगवान कृष्ण को स्तुति कर रही थी और उनको स्तुति करते करते कह रही थी प्रभु बोले नमो अकिंचन विताय निभृत गुणभृत है, बोले तुम किसके धन हो, बोले जो अकिंचन है। अकिंचन मतलब है अभी बता रहे थे ना, जो रोड में घूमते हैं भैया उनके पास में तो कोई पैसा नहीं, क्या उनका बीता है, बोले नहीं, जिन्होंने अपना जीवन में कृष्ण को ही अपना जीवन सर्वस्व जिसने समझा है, कहते वो वास्तव रूप में वही अकिंचन है। और अकिंचन मतलब ये भी एक अर्थ होता है, कहते जिसको पास में ज़्यादा पैसा, कहते ना दिन अधिक दया करेन भगवान कुलीन पंडित धनीर बड़ा अभिमान, कहते भगवान दीन के ऊपर में विशेष विशेष कर कृपा करते, बोले क्यों, बोले जो कुलीन जो पंडित ये बड़े अभिमानी हैं, इनको भगवत प्राप्त करना इनके लिए बड़ा कठिन होता है। इसलिए गतकल्य हम लोग ये सब कथाओं का श्रवण कर रहे थे और बोल रहे थे प्रभु जब भगवान बोले तुम मेरे से वर मांगो, बोले मेरे झोली में विपत्ति मेरे झोली में भर दो,
बोले सारा दुनिया मेरे पास में संपत्ति चाहते हैं, तुम विपत्ति क्यों चाहते हो? बोले प्रभु इसलिए विपत्ति चाहता हूँ, विपत्ति में ही जीव को भगवत स्मरण ज़्यादा होता है, संपत्ति में जीव भगवान को भूल जाता है, इसलिए हमें विपत्ति दे दो। फिर यहाँ एक प्रश्न होता है, क्या भक्तों के ऊपर विपत्ति विपत्ति ऐसा यहाँ होता है ना? अगर बोले हमारे ऊपर विपत्ति दे दो, बोले भक्तों के ऊपर विपत्ति विपत्ति आई क्या? इनके जीवन में सुख नहीं आए, विपत्ति विपत्ति आए, इसका मतलब ये होता है ना? कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं हमारे ऊपर विपत्ति आए, इनका मतलब ये है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे आपका कोई पड़ोसी हो, लेकिन पड़ोसी के साथ में आपका लड़ाई झगड़ा होगी। अब अपना बेटे को बोले देख बेटा, भले ही विष खा करके मरना तो मर जाना, लेकिन वो पड़ोसी व्यक्ति को घर में नहीं जाना। इसका मतलब क्या? बेटे को कह रहे तो विष खा कर मर जा, इसका मतलब क्या है? भले ही जो कुछ हो जाए लेकिन पड़ोसी घर में तो नहीं जाना। इसलिए यहाँ पर जो कुंती विपत्ति मांग रहे हैं, इसका तात्पर्य नहीं भक्तों घर में विपत्ति आए, इसका तात्पर्य है प्रभु बोले जिस देश में जिस बेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इसका तात्पर्य यह है प्रभु तुम मेरे को जिस अवस्था में रखना तू रख ले, सुख में रखे नहीं तो दुख में रखे, लेकिन जैसे कभी मैं तेरे को नहीं भूलूँ। इसका तात्पर्य यही, इसका तात्पर्य यह नहीं भक्तों के ऊपर कल विपत्ति 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 आते रहे, इसका मतलब ये नहीं, बल्कि सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया। भगवान की भक्ति करने से समस्त विपत्ति दूर हो जाती हैं। जब भगवान की स्तुति कर रही थी बोले कन्हैया तेरे लीला को ना समझना बड़ा कठिन है, इसलिए मैं भी कभी कभी तुम्हारी लीला देख करके मैं स्वयं मुग्ध हो गई थी। बोले कब? बोले तेरे माया को समझना बड़ा कठिन है। बोले एक समय जब तुम वृंदावन में था, तुमने अपना घर में तुमने एक मटकी फोड़ दी, जब तुमने मटकी फोड़ दी इतने में मैया को तो बड़ा क्रोध आ गया। बोले पहले मैं सुनता था तो दूसरे दूसरे घर में तो मक्खन चोरी करता था, अभी तो अपना घर की मटकी तुमने फोड़ दी, ये सास का समय से मेरे मटकी थी, और कितने दूध पी पी करके कितना मजबूत हो गया था, घी दूध पी करके हैं, और तुमने अपना घर का मटकी फोड़ दी, आज को तेरे को मैं बांध करके रखूंगी। इतने में मैया जसोदा हैं क्या की, कृष्ण को जा करके तत्व द्रुत गोप्यम, कृष्ण जितने तेजी से भाग रहे थे उससे ज़्यादा तेजी से मैया जसोदा भाग करके कृष्ण को पकड़ ली, और पकड़ करके डंडे लेकर उनको डरा रही थी। बोले सही सही बता, ये मटकी फोड़ी किसने? बोले मैंने फोड़ी थोड़ी। बोले किसने फूट गई, कैसे फूट गई? बोले तू जब दूध रखा करने जा रही थी, तेरी तू जो प्यार में इतने मोटी मोटी कौडूले पहनी रखती ना, वो तेजी से जाते समय वो कौडूले लगकर फूट गया, मैंने थोड़ी फोड़ी। बोले बड़ा दुष्ट है, खुद फोड़ करके मेरा नाम कह रहा है, हैं? बोले बंदर को किसने खिलाया? बोले जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले जिसने बनाया उसने खिलाया मतलब क्या है, हैं? बोले तू बहुत बड़ा चोर हो गया। बोले मैं चोर हो गया? मैं साहूकार नंद बाबा राजा का बेटा है, तेरे घर में कोई चोर गोप होगा, क्योंकि उनको एक मामा का नाम था चोर गोप। बोले तेरे घर में कोई चोर गोप होगा? हम घर में कोई चोर नहीं, हम तो नंद बाबा का बेटा है, राजा का बेटा है, हैं? इसलिए मैया जिस समय में पकड़ ली थी उस समय रुदंतम हुनेत्र जुगमम मृजंतम कराम भोज जुगमेन सातंक नेत्रम, उसी समय में कृष्णा मुहुर मुह मैया ने जो मोटी मोटी काजल लगा कर रखी थी, कृष्ण दोनों हाथों से उसको मसल रहे थे, और काजल मिश्रित अश्रु प्रवाहित तो हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मानो गंगा जमुना की धारा बह रही है ऐसे। उसी समय में कृष्ण अत्यंत डरे हुए थे, बोले मैया पहले तू डंडे को फेंक दे, हैं? ये डंडा देख करके तेरे मेरे को बड़ा डर लग रहा है, बोले तेरे को थोड़ी मैं मारूंगी, तेरे को पूजूंगी अभी अच्छे तरह से, हैं? तेरे को पूजूंगी अभी। इसलिए वहाँ पर मैया कुंती कह रहे हैं बोले कन्हैया जिस समय तू रो रहा था ना उस समय मैं भी वहीं पर थी, और मैं देख करके बोले हे भगवान जिनकी डर से स्वयं काल भी थर 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 कांपते हैं, आज मैया की डर से कृष्णा जी थर थर कांप रहे हैं,
हैं। कुंती कहती हैं, मैं सोच रही थी ये क्या सचमुच से रो रहा है ना, नाटक कर रहा है, ये नाटक कर रहा है ना, सचमुच से रो रहा है। मैंने ध्यान दे करके देखा, देखा तो वो नाटक नहीं कर रहा था, सचमुच से रो रहा था। इसलिए बोले कन्हैया तेरे माया को देख कर मैं भी मोहित हो गई थी, तेरे ब्रज लीला को देख करके मैं भी मोहित हो गई थी। ऐसे ही मैया कुंती ने बड़ी सुंदर कृष्ण को स्तुति की है, हैं, स्तुति की है। इसलिए बोले गोपा दद तोई कृता गसि दाम ताबत जाते दस दशाश्रु कलिलां च संभ्रमाख्यम वक्रम निर्णय भय भावनया स्थितस्य सामं विमोहयति भीर जद विभेति है। इसलिए जिसके डर से स्वयं काल डरते हैं उससे तुम डर रही थी। जब मैया कुंती कृष्ण को स्तुति कर रही थी, इधर क्या हुआ, अभी पितामह भीष्म अभी भी सरसज्जा में लेटे हुए, अभी पितामह भीष्म की ये भी अंतिम इच्छा है, अंतिम समय में कृष्ण दर्शन करते हुए और उनका नाम को ग्रहण करते हुए मैं भी ये शरीर को त्याग करना चाहता हूँ। वो भी आस लगा करके सरसज्जा में लेटे हुए हैं और उनको वरदान भी, क्या वरदान है कहते, उनकी पिताजी का वरदान है, उनकी जो इच्छा मृत्यु है, उनकी मृत्यु इच्छा मृत्यु है, वही से मरने वाले नहीं, उनकी अंतिम इच्छा भी कृष्ण दर्शन करना। लेकिन इधर क्या हुआ, जब ये महाभारत युद्ध हो गई, इतने में जो युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी, इतने दुखी युधिष्ठिर महाराज दिन भर बैठ करके सोचते रहते हैं। बोले क्यों सोचते रहते हैं, बोले देखो कितना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया। बोले क्यों ये युद्ध हुआ है, युद्ध होने का कारण क्या, कहते देखो अक्सर करके जो लड़ाई होता है ना, दो कारण से लड़ाई होता है। बोले पहला कारण है दुर्योधन क्या चाह रहा था, कि जितने सारे संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए और किसी को नहीं मिलनी, सारे संपत्ति मैं हड़प लूँ। दूसरा कारण था द्रौपदी ने थोड़ी सी अपना जीवा से अपशब्द को बोल दिया, क्या बोल दिया, अंधा का बेटा अंधा होता है। अक्सर करके ये परिवार में जो लड़ाई होती है अक्सर करके ना, इसलिए किसी मुंह से थोड़ी सी अपशब्द निकल गई, थोड़ी सी जीवा स्लीप हो गया तो बस बहू बहू में, नहीं तो सास बहू में हो गई, ननंद बहू में हो गई, नहीं तो भाई भाई में थोड़ी सी जीवा तुम्हारी स्लीप हो गई, कुछ हुआ ही नहीं, केवल जीवा स्लीप हो गया, बस पत्नी को पास में रात को चुगली करेगी, मेरे को सास ऐसे बोल रही थी, ननंद ऐसे बोल रही थी, हमें देवर ऐसे बोल रहा था, बस रात भर मंत्र देता शुरू कर देगी फिर तो हमारे संसार में महाभारत शुरू हो जाता है घर घर में है। और दूसरा कारण है दुर्योधन क्या चाह रहा था, ये सारे संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए और ये संपत्ति और किसको मिलनी नहीं चाहिए। ये दो कारणों से अक्सर करके संसार में लड़ाई होती है। इसलिए लेकिन जब इतने सैनिक मारा गए, कितने सैनिक मारा गए, एक तरफ में 7 अखौनी, दूसरी तरफ में 11 अखौनी, कितना हो गया 18 अखौनी, और एक एक अखौनी में कितना लाख लोग होते हैं, हैं? वहां पर इतने युद्ध हुई, ऐसे अभी भी आप जाओगे कुरुक्षेत्र, कभी गए हो, कौन कौन कुरुक्षेत्र गए हो, गए हो कुरुक्षेत्र, कौन गए कुरुक्षेत्र, गए नहीं, ये भगवान क्या क्या जिंदगी, हाँ इसलिए सब क्षेत्र में जाने चाहिए। वहाँ पर अभी भी देखोगे आप कभी जाओगे ना, वहाँ जो मिट्टी है ना वो लाल लाल है, मिट्टी लाल लाल, आप देखोगे जिस समय युद्ध हो रही थी, कितने बड़े बड़े योद्धा, इनका खून ऐसे बह रही थी, जैसे उनका शरीर जैसे खून की जैसे नदी बहती है, ऐसे इतने हैं, इतने वहाँ भयंकर युद्ध हुई। और युद्ध में सबके सब मारा गए ना, जब मारे गए पत्नियाँ क्या हो गई, पत्नी क्या हो गई, विधवा, बच्चे क्या हो गए, अनाथ, माँ क्या हो गई, पुत्रहीन हैं, पुत्रहीन हो गई, और सबके सब बताए ना, उसके बाद वर्ण संकर बन जाएगा है, कितने दुख, कितने दुखी, दुख का अंतिम सीमा नहीं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज इतने सैनिक मारने पर, वो स्वयं धर्मराज है, इसलिए इतने रोते, इतने दुखी दिन भर सोचते रहते थे मेरी वजह से ही सब दुख कष्ट हुआ है, इतने लोग माँ की कोख खाली हो गई, स्त्री विधवा हो गई मेरी वजह से, कितने लोग दुखी है, क्योंकि धर्मराज है।
लेकिन कृष्ण समझाए करते तो देखे युधिष्ठिर तू रो मत, ये सब कुछ मेरी इच्छा से हुई है। अब देखना महाभारत युद्ध होने से पहले कृष्ण अर्जुन जब युद्ध करना नहीं चाह रहा था, कृष्ण विराट रूप दिखाया, बोले अर्जुन देख तो जो सोच रहे हो ना मारने वाला मैं हूँ, वो पहले से ही मैं मार करके रखा हूँ। इसलिए निमित्त मात्र भव सभ्य साची, केवल तो निमित्त बन, पहले मैंने सब कुछ करके पहले रखा, इसलिए कोई चिंता मत किया करो, केवल निमित्त बनो। इसलिए वास्तव रूप में कृष्ण पहले सबको मार करके रखा था, इसलिए कोई चिंता मत करो, सब कृष्ण उसके इच्छा के वगैरह के पता भी नहीं हिलता। लेकिन युधिष्ठिर कहते घर के जोगी जोगना आन गाँव के सिद्ध, कहती कृष्ण तो हमारे घर में रहते हैं, उनके घर में दिन भर रहते ना कृष्ण, दिन भर उनको साथ में हंसी दिल लगी उनके साथ में सब बिहार करते, बोले ये हमारे घर के, ये क्या मेरे को समझाएगा हैं, ये तो हमारे हैं, कहते ये, इसलिए उनको सांत्वना नहीं होता था। इतने में कृष्ण ने अभी उन श्री श्री भीष्म की इच्छा पूर्ति करने के लिए और श्री पितामह भीष्म को द्वारा और युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने के लिए और बोले चलो हम पितामह भीष्म के पास में चलते हैं। ठीक उसी समय में बड़े बड़े ऋषि लोग भी वहाँ पर आए हुए थे हैं, कहते वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि लोग आए हुए थे, सब ऋषियों करके बोले कौन कौन है, बोले नारद व्यास सुक महर्षि देवर्षि ये सब के सब आए हुए थे, सब के सब लेकर के उन्होंने कहाँ पर गए, उन्होंने पितामह भीष्म के पास में गए और पितामह भीष्म आँख बंद करके कृष्ण को याद कर रहे थे। इतने में एक एक करके कृष्ण को प्रणाम करते हैं, युधिष्ठिर महाराज अपना नाम लेकर के बोले पिताजी आपको नमस्कार, पर ये हमारे श्री भीमसेन अपना नाम लेकर प्रणाम किया, वहाँ पर द्रौपदी भी नाम लेकर के प्रणाम की, सबके एक एक नाम लेकर प्रणाम कर रहे थे। लेकिन जब लास्ट में कृष्ण ने जब प्रणाम की, कृष्ण ने कहा पितामह भीष्म अर्जुन का जो सारथी आपको प्रणाम कर रहा है, क्या बोला अर्जुन का सारथी आपको प्रणाम कर रहा है। जब उन्होंने इतना बोले लेकिन वो अर्जुन का सारथी का तो याद कर रहे थे, एकदम अर्जुन का सारथी का नाम लेते ही ना पट उन्होंने आँख खोल दी, और जब आठ आँख खोले और सामने जिनको याद कर रहे थे सामने वही कृष्ण को दर्शन किए, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, इसलिए उनको ही तो याद कर रहे थे, इनको दर्शन करते करते अंतिम श्वास त्याग दूंगा। वहीं पर जब दर्शन हुई इतने में कृष्ण ने पितामह भीष्म को बोले पितामह जी आप थोड़ा युधिष्ठिर महाराज को समझाओ, ये दिन भर उदास रहते हैं दुखी होते हैं रोते रहते हैं, मेरे वजह से इतने लोग मारा गए, उनको समझाओ। तो पितामह भीष्म उनको समझाते हैं, बोले जानते हो ये कौन है, ये तुम्हारे घर में बैठे हुए, कहते ये साधारण व्यक्ति नहीं है, कहते मित्र रूप में दूत रूप में मंत्री रूप में सारथी रूप में ये कौन है, कहते ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का ये मालिक है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम लोग सोचते हो ये हमारे घर में बैठा हुआ, कहते गुड़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, ये मनुष्य रूप में ये गुड़ परम ब्रह्म तुम्हारे घर में निवास कर रहे हैं, ये जो कुछ हुआ है ये तुम लोग दुखी होने का जरूरत नहीं, सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हुआ है। आप लोग महाभारत सुने होंगे, जो महाभारत युद्ध समाप्त हो गया एक समय पांडवों के अंदर में भी घमंड आ गया, कितने में भीम ने कहा सब कुछ तो मैंने किया है, सौ भाई तो मारा किसी ने, मैंने तो मारा, इतने में मैं नहीं होता महाभारत युद्ध थोड़ी खत्म होता। इतने में अर्जुन ने कहा बोले तुमने तो किया है लेकिन सबसे बड़े योद्धा को किसने मारा, जो पितामह भीष्म जिनका इच्छा मृत्यु द्रोणाचार्य इनको मारा किसने, कर्ण को किसने मारा है, अगर मैं नहीं होता ना इनको नहीं मारते तो भी कुछ नहीं कर सकता था। इतने में युधिष्ठिर ने कहा बोले जतो धर्म ततो जय, जिधर धर्म उधर जय होता है, अब मैं तुम्हारी पक्ष में था धर्म स्वरूप तभी तो तुमको जय मिला है। इतने में नकुल सहदेव बोले अगर हम तुम्हारे साथ में पीछे नहीं होते युद्ध नहीं करते तुम ऐसे जीत जाते अकेला अकेले, अभी इनके अंदर में लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो इतने में कृष्ण ने बोले एक काम करो अपना लड़ो मत, एक व्यक्ति अभी भी महाभारत युद्ध ने देखा है, बोले कौन, बोले बर्बरी है ये भीम से है,
कहती है बर्बरी है, कहती है ये बर्बरी किसका पुत्र है, अरे ये भीम का पुत्र है, पोता घटत घटगत घटत कुछ का बेटा ये हो, इसलिए कहती ये बर्बरी ने ये सब कुछ देखा है, ये बर्बरी हैं, कहती बर्बरी इतना जोधा था, इतना जोधा, कहते हैं जब महाभारत युद्ध हुआ था ना, वो बर्बरी आ करके वो वहाँ पर अपना जो तीर में वो धार दे रहा था, कृष्ण को पता ये इतने बलवान हैं, वो एक बार में सबको मार सकता है, लेकिन मेरी जो प्लानिंग है वो 18 दिन तक महाभारत युद्ध चलेगा, कितने में कृष्ण गए, बोले तुम कौन हो, बोले मैं बर्बरी हूँ, घटोत्कच का बेटा हूँ, बोले क्या बात है किस लिए आए हो, बोले मैंने सुना है युद्ध होने वाले, इसलिए हम पांडवों को मैं मदद करूँगा, बोले तुम क्या कर सकते हो, बोले एक बाण मार करके ना सब, एक बाण से सब खत्म कर सकता हूँ, बोले एक बाण से सब खत्म कर दो, बोले हाँ, बोले एक काम करो तुम ये जो पीपल का जो पेड़ है एक बाण से सबको छेद कर सकते हो, बोले हाँ। कृष्ण ने सुनने को मिलता, कृष्ण एक पत्ता लेकर अपना प्यार के नीचे भी दबा करके रखे थे, वो एक ऐसे एक बाण को मारे, एक बाण से पीपल पेड़ में जितने पत्ता था ना सबको छेद कर दिया, बोले सब छेद कर दिया, बोले हाँ, बोले नहीं सब छेद नहीं हुआ, बोले कैसे, बोले मेरे प्यार के नीचे मैंने पत्ता दबा करके रखा, बोले देखो अभी छेद हो गया होगा, सचमुच से देखा छेद हुआ है, बोले ये तो एक बाण से सब खत्म कर देगा, इसलिए उन्होंने कृष्ण ने सोचा तो 18 दिन महाभारत युद्ध होने वाले, उनका प्लानिंग है, बोले मेरे कुछ मांगूंगा दे सकते हो, बोले बोलो क्या मांगते हो, बोले तेरे सर काट करके मेरे को दे दो, हैं, बोले मेरी इच्छा तो ये महाभारत युद्ध देखने का, बोले चिंता मत करो महाभारत युद्ध पूरा दर्शन कर पाओगे, इसलिए खंभे के ऊपर में उसका सर रख दिया था, वो सब कुछ देख रहा था, बोले देखो एक व्यक्ति ने ये सारे युद्धों को दर्शन किया है, बोले कौन, बोले बर्बरी, बोले उसको पास में चलो, जब उसको पास में गए उससे पूछा, बोले बर्बरी ये बताओ ये युद्ध कौन कर रहा था, हाँ ये युद्धों को जीता किसने, तो बर्बरी ने कहा मैंने देखा भीम जैसे लग रहा था जैसे गदा मार रहा है, अर्जुन जैसे सोच रहा है मैं बाण मार रहा हूँ, लेकिन ये सब कोई कुछ नहीं कर रहे, मैंने देखा एक सुदर्शन चक्र ऊपर में घूम रहा था, ये लोग सोच रहे थे मैं मार रहा हूँ, लेकिन मैं देखा वो सुदर्शन चक्र आकर गला काट रहा था, लेकिन अर्जुन सोच रहा था मैं मार रहा हूँ और भीम सोच रहा था मैं मार रहा हूँ, लेकिन ये लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया है चक्रधारी कृष्ण ने सब कुछ किया है, इसलिए पितामह भीष्म ने उनको समझाए, बोले देखो ये कृष्ण साधारण नहीं, इनके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता, इसने सब कुछ, ये कृष्ण ने ही ये सब कुछ किया, इसलिए कोई चिंता मत करो, उन्होंने बहुत करके उनको समझाए, समझाते समझाते बोले दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्मन विभाग सौ, उन्होंने उन्हें सब धर्म को उन्होंने सिखा दिया, और सिखा देते देते उन्होंने एक बात बताया, बोले देखो युधिष्ठिर कहते समर्थ रहते कभी भी अन्याय को सहन नहीं करनी चाहिए, समर्थ रहते कभी अन्याय सहन नहीं करनी चाहिए, जब इतना बोला ना कहते वहाँ पर द्रौपदी भी खड़ी थी, इतने में द्रौपदी ने अपना मुंह में कपड़ा रख रहे हंस पड़ी, पितामह भीष्म ने बोले बोले बेटी तुमने हंसी क्यों, बोले नहीं पिताजी कोई बात नहीं, बोले नहीं कहते जो पतिव्रता नारी होते हैं और जो नारी दिव्य नारी होते हैं कहते ये पांच ना सुहात, वहाँ पर एक कोई प्यार है हंसी बहुबाद नारायण, ये पांच न सुहात वहाँ पर बताए, जो पतिव्रता नारी होते हैं बिना कारण से हंसते नहीं, बिना कारण से बोलते नहीं हैं, इसलिए जरूर तुम्हारी हंसी में भी कुछ रहस्य है, बताओ बेटी क्यों हंसी, बोले पिता मैं इसलिए मैं हंस रही थी, आप अभी अभी बता रहे थे समर्थ रहते अन्याय कभी सहन नहीं करनी चाहिए, जब भरी सभा में मेरी इज्जत जा रही थी अभी तो वहाँ पर थे, अगर एक बोली आप पितामह थे सबका पितामह, अगर आप एक बोली बोल देते हैं ना रोको युद्ध को, रोको उसको वस्त्र हरण को, किसका हिम्मत था मेरी वस्त्र हरण कर सकता, लेकिन आप भी वहाँ पर बैठ बैठ कर सारे मजा देखते रहे हैं, आप मजा देखते रहे और आप यहाँ पर बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो, समर्थ रहते अन्याय नहीं सहनी, सहन नहीं करनी चाहिए,
अब ऐसे क्यों किया है? तब श्री पितामह भीष्म कहते बोले बेटी, कहते हैं विषयर अन्न खाइले मलिन है मन, हल मलिन हैले मन ना है कृष्ण स्मरण। कहते दुष्ट व्यक्तियों का अन्न भोजन करने से जो मन है ये गंदा हो जाता है, हैं? इसलिए मन गंदा होने से पर प्रभु का स्मरण नहीं होता है। इसलिए नियम है शुद्ध उपाय द्वारा कमाया हुआ वस्तु भोजन करने से भजन होता है। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति, अन्याय व्यक्ति और गंदे काम से अगर कोई पैसा को कमाता है, अगर वो पैसा को अगर कोई खाए तो, अगर तुम्हारे अंदर में अगर शक्ति नहीं हो तो क्या होगा? फिर तो मन तुम्हारी चंचल हो जाए, मन तुम्हारी। महाप्रभु खुद कह रहे रघुनाथ दास गोस्वामी को, हैं, जब रघुनाथ दास गोस्वामी को उनको पिताजी पैसा दे कर गए, उनको पैसा दे कर गए, बोले बेटा कहाँ राजा के घर की, बेटा ये पैसा को ले लो, ये पैसा को लेकर क्या करो, उसको अपना जीविका निर्वाह करो। लेकिन महाप्रभु तो दो चार दिन आए, लेकिन उनके बाद में महाप्रभु ने देखा, महाप्रभु प्रसन्न नहीं, खुश नहीं, क्योंकि महाप्रभु बोले बेटा विषय अन्न खाइले मलिन है मन, तुम्हारे जो पिता है ना वो विषय ही है, उसका अन्न अगर तुम भोजन करोगे ना तुम्हारे मन गंदा हो जाएगा, गंदा होने से भगवान की भजन नहीं होगी, हैं? इसलिए एक छोटी स्टोरी सुन लो, एक छोटी कथा सुन लो। बोले एक समय कोई एक साधु थे, एक साधु भ्रमण करते करते आए और किसी गांव वाले में, ये रात को यहाँ रुकना चाहता हूँ, ठंडी का मौसम था, कोई स्थान मिल सकता है? तब बोले हाँ बाबा, यह मंदिर में विश्राम करो। एक व्यक्ति ने, सेठ व्यक्ति ने एक नया कंबल दिया, बोले बाबा रात को इसको ओढ़ करके सोना, सवेरे दे जाना। बोले कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने रात को विश्राम किया और सवेरे उठकर कंबल देखा तो नया कंबल है, बड़ा सुंदर कंबल है। बोले तो अभी तो सवेरे कोई है ही नहीं, इसको लेकर के भाग चलो, हैं, इसको लेकर भाग चलो, कोई तो है ही नहीं। उसने ये कंबल को लेकर भाग गया। जब भाग गया, लेकिन जब थोड़ी दूर गया ना, जब उसने शौच क्रिया किया, उसका बुद्धि अपने आप सही हो गया। बोले देखो मैं एक साधु हूँ और मेरे को रात को कंबल को ओढ़ने के लिए दिया और मैंने वो व्यक्ति का बेईमानी किया, उसका कंबल लेकर भाग गया, मैं कैसी साधु हूँ, हैं, मैं साधु कैसे हूँ? उसका मन परिवर्तन हो गया। इधर क्या हुआ, लोग जब सवेरे उठे बोले बाबा कहाँ, बोले बाबा तो है ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा भैया नया कंबल मैंने दिया था ओढ़ने के लिए, मेरे कंबल लेकर भाग गया, देखो बड़ा दुष्ट साधु नहीं, वो बड़ा दुष्ट है, हैं, ये चोर है, ये चोर, ये साधु रूप में ये चोर है, ढूंढो बाबा को कहाँ गया बाबा को। इतने में ढूंढना शुरू किया, इतने में देखा बाबा आ रहा है दूर से। कुछ लोगों ने बोला बाबा को पकड़ो और पिटाई करो, अच्छे तरह से धुलाई करो। लेकिन कुछ सज्जन थे बोले देखो वो बाबा आ रहे हैं तो जरूर कुछ बात है, नहीं तो वापस क्यों आते, जरूर कुछ रहस्य है, रुको। जब आए तब उन्होंने माफ़ी मांगे और कंबल को दिया। जब दिया, इतने में उन्होंने पूछा कल रात को जिनके घर से मैंने रोटी खाई थी वो व्यक्ति कैसे है। पता लगा कर देखा वो चोरी करके पैसा कमाता है। क्या करता है? चोरी करके वो पैसा कमाता है। इसलिए उसका अन्न को भोजन किया तो उसका मन में भी चोर की भावना आ गई और कंबल को लेकर भाग गया। लेकिन जब उसको शौच क्रिया में गया ना, जब निकल गया उसको सब, उसका बुद्धि अपने आप सही हो गया, अपने आप सही हो गया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया, साधुओं को कोई गलती काम करके पैसा नहीं उपार्जन करनी चाहिए। अगर करोगे ना, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे अन्न खाओगे वैसे मन करेगा। इसलिए कोई भी असत उपाय से हमें पैसा कमानी नहीं चाहिए। और भी जो बाहर का लोग हमें पैसा देते हैं, हमको क्या पता वो कौन सा क्या क्या धंधा करके, क्या उल्टा पुल्टा करके पैसा कमाए, ये भी हमें पता नहीं। अगर वह वस्तु भी हमें, हम डायरेक्ट ले करके अगर पिज्जा पास्ता खाने लग गए, हाँ रसगुल्ला, अगर बालू से आई रसगुल्ला खाना शुरू कर दिया, फिर क्या होगा? वो व्यक्ति का जो बीस है वो हमारी अंदर में भी आ जाएगी, फिर हमारे अंदर में भी चोर वृत्ति आएगी, दुष्ट वृत्ति आएगी। क्यों? वो दुष्ट उपाय के द्वारा पैसा उपार्जन किया है, हैं? इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को जो कोई ब्रह्मचारी ला कर भिक्षा दिया, 25 रुपया भिक्षा किया था, उनने 20 रुपया दिया। गुरुजी ने पूछा कितने पैसा भिक्षा, तो बोले 25 रुपया। बोले 20 रुपया 5 रुपया कहाँ पर,
और 5 रुपया कहाँ पर, बोले हमको जाना पड़ता है ना, रिक्शा में लगेगा, इधर उधर बस में जाना पड़ेगा कहीं, इसलिए 5 रुपया रखा। तो उन्होंने बोले देख बेटा, ये जो पैसा है ये पैसा नहीं, ये बीस, ये जहर है, ये पैसा नहीं। जिसने ये पैसा दिया कितने कामना वासना को दिया तेरे को पता है? 10 रुपया दिया मतलब घुमा घुमा कर देते हैं, आप देखना। घुमाना मतलब क्या, बेटी की शादी हो जाए, घर का बीमारी चली जाए, हमारी पढ़ाई लिखाई हो जाए, हमारे पैसे, कितने सारे बुरे कर्म करके ऐसे घुमा घुमा करके एक व्यक्ति पैसा देता है, मतलब वो पैसा में सारे पाप उसके अंदर में, इसलिए पैसा नहीं ये क्या है, ये पाप है, उसको हजम नहीं कर सकते हो, इसलिए खबरदार ऐसे पैसा देना। भिक्षा करके लाए, 20 दो निकालो, उनको तो बड़ा क्रोध आया, हाँ बोले 5 रुपया भी रहने नहीं दिया, अभी मेरे इधर उधर जाऊँगा घूमूंगा, हैं घूमूंगा 5 रुपया भी। लेकिन जब उन्होंने 25 रुपया दिया ना, फिर उन्होंने उनको 5 रुपया नहीं 10 रुपया दिया, बोले 10 रुपया ले, घुसा मत क्या करना, ये पैसा नहीं, ये बीस, ये जहर है, इसको हजम नहीं कर सकते हो, हैं इसको हजम नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले नंदगा हमने कथा सुनाया ना, कुत्ता, वो कुत्ता स्वयं बोलना शुरू कर दिया, रोटी दो रोटी दो, वो था नहीं, बाबा जी कुछ दिन के लिए चले गए थे, रोटी नहीं दिया तो कुत्ता कहता है मेरी रोटी दो, बाबा का दरवाज़ा बंद था, बोले कौन इंसान कहते रोटी दो, दरवाज़ा खोला कुत्ता, दो बार दरवाज़ा बंद किया, बोले रोटी दो भूख लग रहा, फिर दरवाज़ा खोला कोई नहीं, बोले कौन बोल रहा है, जो तीसरा बार बोला कुत्ता बोल रहा है, कुत्ता बोल रहा है, बोले कि ये क्या बोल, इंसान जैसे बात कैसे करते हो, ये कुत्ता क्यों बने हो, क्या बात, बोले पहले जन्म में मैं भी ऐसे साधु था, लोग जो मेरे को पैसा देते थे वो पैसा को मैंने गलत काम में लगाया, इसलिए मेरे कुत्ता बना है, इसलिए साधु सावधान, इसलिए कहते साधु को ही सावधान बोलते हैं, क्योंकि साधु को पास में अक्सर करके जो पैसा आता है वो विषयी व्यक्ति का पैसा आती है, इसलिए हमें बड़े सावधान पूर्वक रहनी चाहिए। भगवत सेवा की वस्तु, हम ये मत समझो खा लिया हो गया, जन्म जन्मांतर उसको घर में बैल गधे कुत्ते बन करके उसका ऋणी चुकाना पड़ेगा, है उसको ऋणी चुकाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कौन कह रहे हैं, यहाँ पर पितामह भीष्म कह रहे हैं, बोले बेटी ये दुर्योधन का विषय भोग करते करते, ये दुष्ट का अन्न खाते 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 मेरी बुद्धि भी खराब हो गया था, इसलिए मैंने वहाँ पर सच बात को बोल नहीं पाया। और अर्जुन को बाण से क्या हुआ, वो जो अन्न से जो खून बना था ना, वो खून सब निकल गया शरीर से, निकल गया तो मेरी बुद्धि अभी शुद्ध हो गई, इसलिए मेरे मुँह से ये पवित्र वाणी मेरे मुँह से निकल रहा है, इतने ज्ञान की बात मेरी मुँह से निकल रहा है। बोले इति मतिरुपकल्पित वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तु प्रकृति मुपैसु जद भव प्रवाह। इसलिए यहाँ पर श्री पितामह भीष्म कह रहे हैं, बोले प्रभु जी मैं आपकी इंतजार कर रहा था, मैं सोच रहा था अंतिम समय में आपको दर्शन करते करते, आपका नाम को लेते लेते, आपकी चरण को अपना हृदय में धारण करते हुए मैं अंतिम श्वास को त्याग करना चाहता था, आप बड़ी कृपा करके आए हो, इसलिए इति मति रूपकल्पित वितृष्णा, जब आप आए हो आपको कुछ तो देनी चाहिए ना, मेरे पास में तो कुछ है नहीं, मेरे पास में अपना मन है। तब एक उदाहरण देकर कह रहे हैं, बोले प्रभु जी मेरी एक बेटी है, ये बेटी अभी शादी के लायक हो गई, अगर किसी घर में किसी बेटी शादी के लायक हो जाए पिता क्या सोचते हैं, जब तक अगर बेटी शादी के लायक हो जाए तो क्या सोचते हैं, सबसे पहले अपना बेटी को शादी दो, हमारे संस्कृति ही कहते हैं ना, सबसे पहले अपना बेटी को शादी कराओ। लेकिन बेटी मेरी उपयुक्त है, लेकिन मैं अभी तक बेटी के लिए मैंने बहुत ढूंढा कोई उपयुक्त तो उसके लिए वर मिल जाए, लेकिन मेरे अभी तक भी मेरे कोई उपयुक्त तो वर मिला ही ढूंढते ढूंढते, लेकिन इतने बाद को इतने दिन के बाद में हम उपयुक्त तो वर मिला है। तो भगवान ने बोले पितामह भीष्म आप तो भीष्म हो, आप तो आकुमारी ब्रह्मचारी, आकुमार ब्रह्मचारी हैं, पहले इनका नाम क्या था, देवव्रत नाम था, देवव्रत इनका नाम पहले था, लेकिन जब उन्होंने प्रतिज्ञा पिताजी के लिए भीषण प्रतिज्ञा की जिंदगी भर में कभी शादी नहीं करूँगा, तो इनका नाम भीषण प्रतिज्ञा से इनका नाम पड़ गया भीष्म, हैं भीष्म नाम पड़ गया। बोले तो आपने कभी जिंदगी भर तो शादी की नहीं, अब कहते हो मेरी एक बेटी है, आपकी बेटी कहाँ से आई,
मतलब प्रभु इति मति, मेरे जो ये मन है बुद्धि है यही मेरी बेटी है, ये बेटी की जो उपयुक्त जो पति है ना आप ही इसके उपयुक्त पति हो हैं। इसलिए कहते ना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी गोपाल जूसा जो चुड़ल अमर हो जाए हैं। इसलिए ऐसे पति को साथ में शादी करनी चाहिए, कभी मांग मिटनी नहीं चाहिए, चूड़ी कभी टूटनी नहीं चाहिए। कौन है? केवल भगवान कृष्ण ही ऐसे जगतपति जगन्नाथ है। इसलिए इतने दिन के बाद में हमें सही पति अभी हमें मिले हैं। इसलिए कहते भैया तुम्हारी जो पत्नी जो बेटी है कैसे, बोले वितृष्णा कि मेरी जो मन है ना मेरी जो बेटी, आप ये मत समझो घर में बेटी आ करके क्या करेगी, दिन भर सोती रहेगी और खाती पीती रहेगी, घर का कोई काम फाम करेगी नहीं, उल्टा तुम उनकी सेवा करना पड़ जाए। बोले नहीं, मेरी जो बेटी है ना वितृष्णा ये संपूर्ण रूप में विशेष इसका मन निवृत्ति है, ये बड़े पतिव्रता स्त्री है, ये पति को छोड़ कर और किसी पुरुष को पास में जाने वाले नहीं, ये सती नारी है, पतिव्रता नारी, ये वितृष्णा है। इसलिए ये मन को साधे आपको चरण में, ये मन को मैं दे करके आपका नाम कीर्तन करते करते अंतिम श्वास को मैं त्याग करना चाहता हूँ। तो पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर सुंदर उन्हें स्तुति की है, बोले त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौरव बराम्बरम दधाने बपोरलक कुलाभृताननाब्जम विजय सखिरतीरस्तु में अनवद्या। बोले हे प्रभु, कृष्ण को कहते त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, बोले कृष्ण कैसे, बोले त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक और तप, पृथ्वी लोक भूर भुव और स्व, ये जो तीन लोक में हैं बात, तीन लोक में आप वैकुंठ अयोध्या और नहीं तो द्वारका में बात, द्वारका और मथुरा व वृंदावन में हैं संपूर्ण त्रिभुवन। बोले ये कौन है, बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन में कृष्ण जितने सुंदर जगत में और भी कोई इतने सुंदर जगत में है नहीं हैं। इसलिए आप जगत में सबसे सुंदर कृष्ण आप ही हो। इसलिए फिर तो कृष्ण कैसे, एक तो कृष्ण देखने में कमल तमाल वर्णम, फिर उसमें जो वस्त्र पहन करके रखे वो कैसे हैं, बोले तप्त कांचन गौरांगी रवि कर गौरव बराम, इसलिए उन जो अंबर जो धारण करके रखे वो पीताम्बर, जैसे आकाश में जैसे काला मेघ में जैसे बिजली चमकने पर जैसे उसकी शोभा बढ़ जाती है, एक तो आप श्याम वर्ण हो, फिर आप जो पीताम्बर जो धारण करते हैं उसमें और भी आप, और पीताम्बर रूप में कौन है, श्रीमती मानो राधा रानी हैं। इसलिए हे प्रभु आप जो सुंदर हो, उनको स्तुति करते 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 हमारी अंतिम इच्छा क्या है, बोले विजय सखे रति मस्तु में अनवद्य, हम हर समय यही चाहते हैं। विजय मतलब अर्जुन का एक नाम विजय है, बोले विजय सखे, बोले अर्जुन का जो सखा है उनमें हमारी मान हर समय टिके रहे हैं। तो यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं भैया ये विजय सखे रति मस्तु में अनवद्य क्यों कह रहे, विजय अर्जुन का सखा में ही हमारी मति क्यों हो, तो उसका कारण कहते हैं हैं, इसका कारण ये बताए, बोले प्रभु आप अर्जुन के लिए क्या नहीं किया, विजय सखा मतलब अर्जुन का सखा में, मतलब आप अर्जुन का प्रेम में आप कितने बसीभूत, आप अर्जुन का प्रेम में हैं, इसलिए आपने क्या किया, कहा विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, और मालिक हो अगर काम क्या कर रहे हो, सारथी का काम कर रहे हो, सारथी को कहते ना सूत पुत्र, सूत पुत्र मतलब ये सारी ये घोड़ा गाड़ी को कौन चलाता है, सारथी कौन होता है, ये छोटे जाति के लोग, ये छोटे जाति के लोग चलाते हैं क्या, कहते ये सारथी बनते हैं, लेकिन कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, और मालिक बन करके पितामह भीष्म कह रहे हैं यद्यपि देखने के लिए ऊपर से क्या लगता है, जैसे कृष्ण हैं जैसे अर्जुन का हो करके जैसे ये युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अंदर से देखोगे ना वो मेरे 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 लिए युद्ध कर रहे हैं, कहते जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है वो सौभाग्य अर्जुन को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कहते यहाँ पर कहीं कहीं लोग बताए ये पितामह भीष्म तो पिता ये तो एक है, कौन है, कहते बारह द्वादश महाजन में एक महाजन है, लेकिन एक महाजन होकर के दुष्ट का पक्ष क्यों लिए,
उनका तो भक्तों का पक्ष लेना चाहिए था ना, भक्त पक्ष लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दुष्ट दुर्योधन का पक्ष क्यों लिया? बोले कारण है, बोले अगर दुर्योधन का पक्ष लेंगे ना बस कृष्ण दर्शन होता रहेगा, अगर इनका पक्ष लेंगे तो कृष्ण दर्शन ही नहीं होगा, और उनकी इच्छा के बगैर तो कुछ होने वाले है ही नहीं, सब तो उनको इच्छा से होता है, इसलिए कम से कम उनको दर्शन होगा। इसलिए यहाँ पितामह भीष्म यहाँ कह रहे हैं, बोले प्रभु ऊपर से दिखाई पड़ता है आप अर्जुन का पक्ष लेकर कह रहे हो, लेकिन अंदर से देख रहा था आप मेरे पक्ष लेकर युद्ध कर रहे हो, हैं, क्योंकि मैंने स्वयं देखा आप एक हाथ में घोड़े का लगाम पकड़े रखे और एक हाथ में कोड़े, एक हाथ में कोड़े और एक हाथ में घोड़ा का लगाम, और देखना गाड़ी कैसे खींचते, हूं हूं करते करते ना, हूं हूं करके चले, चलो चलो हट हट, हूं हूं करते ना, कहते मैंने देख रहा था कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक, आप कैसे घोड़े को हूं हूं करते करते और यहाँ कोड़े मारते मारते कैसे साधारण एक हैं सारथी का भांति कैसे काम कर रहे थे। अगर घोड़ा कभी थक जाए, आप स्वयं घोड़ा को मालिश करते हो, भजन कराते हो, पानी पिलाते हो घोड़े को, कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, अगर आप कर रहे हो क्या? और मैंने क्या देखा, महाभारत युद्ध से पहले आपने क्या बताया था, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और मैंने क्या बताया था, हैं, कहते तब शांतन तनु कहा हूँ जब हरि से अस्त्र गा हूँ, तभी मैं शांतन का बेटा हूँ, हैं, जब हरि से मैंने जब तक ये अस्त्र धारण नहीं करा दूंगा तब तक मैं शांतन का पुत्र नहीं हूँ। जिनकी एक इशारा में विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, जिस समय पितामह भीष्म ऐसे युद्ध कर रहे थे, ऐसे युद्ध कर रहे थे, उन्होंने अर्जुन को मार मार करके बाण से जितना भार धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाए, हाँ वह उसमें रस्सी लगाए, उतना बार पितामह भीष्म काट रहे थे और ऐसे बाण मार रहे थे ना, पूरा उसका सारा शरीर छील गया, पूरा खून से अर्जुन लथपथ हो गया। आज अर्जुन किसी तरह से पितामह भीष्म के साथ में युद्ध कर ही नहीं पा रहा है। इसको देख देख करके कृष्ण को इतना क्रोध आया, क्योंकि युद्ध से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा की, कौंतेय प्रतिज्ञानी नमे भक्ता प्रणशति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं है, ये भगवान का प्रतिज्ञा था। लेकिन उन्होंने देखा आज तो लगता है ये तो मेरे भक्त अर्जुन को मार डालेगा, और मैंने कुत्ती बुआ को मैंने बताया विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाए, लेकिन ये पंच पांडव का के बाल भी बंका होने बांका होने वाले नहीं, मैंने स्वयं ये बात को प्रतिज्ञा की, लेकिन आज लगता है मेरे पार्थतों का तो मृत्यु हो जाएगा, तो मार डालेगा। पता नहीं ये बूढ़े को आज क्या हो गया, ये तो छलांग लगा लगा कर मेरे अर्जुन को मार रहा है। हाँ ये पता नहीं ये बूढ़े को क्या हो गया है, ये तो हाँ छलांग लगा लगा करके ये बूढ़ा तो लगता है आज मेरे प्रभु को भक्त को मार डालेगा। कृष्ण को सहन नहीं हुआ, बोले तेरे को अभी मैं दिखाता है। उन्होंने कूद पड़े, कूद करके वहां पर एक टूटा हुआ रथ का चक्र था, उन्होंने चक्र को पकड़ लिया, पकड़ करके उठाया हाथ में, उठा हाथ करके जब पितामह भीष्म को मारने जा रहे थे, इतने में कृष्ण जब गए मारने के लिए ना, कहते उनका जो पितांबर था, इतने में पितांबर नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया, बोले पितांबर नीचे क्यों गिर गया? बोले इतने में पृथ्वी हंस रही थी, बोले प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया था ना अस्त्र धारण नहीं करोगे, हैं अस्त्र आज अस्त्र कैसे धारण कर लिया, इसलिए हंस रही थी। जब हंस रही थी इतने में उनका पीताम्बर गिरा, तो जैसे हंसते समय मुंह में कपड़ा रख देते ना, मुंह में अपना कपड़ा धर देते हैं, ऐसे कपड़ा धर दिया, ये कारण। दूसरा कारण बताए, अगर कृष्ण के अंदर में क्रोध आ जाए तो विश्व ब्रह्मांड रह सकता है? कि विश्व ब्रह्मांड तो ध्वंस हो जाएगी, जिनकी एक भ्रुकुटी मात्र से ही ये संसार में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है। अगर कृष्ण अगर क्रोधित तो हो जाए, दुनिया जिंदा रहेगा, दुनिया मर जाएगी सब। इसलिए कृष्ण जब कूदे, इतने में क्या हुआ, ये पृथ्वी में भूचाल आ गई। भूचाल आ गई तो कहते कृष्ण का वस्त्र कौन है? बलदेव प्रभु। मानो ये बलदेव प्रभु नीचे गिर करके, क्योंकि बलदेव प्रभु कौन है? भूशक्ति की अधिष्ठात्री देवता, पृथ्वी की संधिनी शक्ति की। इसलिए बलदेव प्रभु ने क्या किया, माने जब गिर पड़ा ना, उन्होंने पृथ्वी को धारण कर लिया है। जब धारण कर लिया, इतने में पितामह भीष्म वहाँ जब आए, इतने भीष्म ने जब देखा, प्रभु देखो आज मेरे लिए प्रभु अपना प्रतिज्ञा को तोड़ करके मेरी प्रतिज्ञा को ठाकुर जी रक्षा किया। पितामह भीष्म इतने प्रसन्न हो गए, अपना धनुष को नीचे उतार दिया, बोले प्रभु मेरे को मेरे जीवन धन्य हो गया है, आज तो मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए अब अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिए,
आप कितने बड़े भक्तवत्सल हो। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए उन्होंने अस्त्र को उन्होंने रख दिया। जब अस्त्र को रख लिया इतने में कृष्ण तो चक्र उठा दिए थे। भगवान कौन है? कहते सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य भगवान है। उनका संकल्प कभी सत्य कभी संकल्प उनका कभी संकल्प वृथा नहीं होता है। लेकिन चक्र उठा दिया फिर चक्र को क्या करे, उन्होंने चक्र को वहीं से फेंके और चक्र को जो फेंके वो चक्र घूमते घूमते कहाँ पर गिरा? एक चक्रा में जाकर के एकदम नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान में जाकर के वहीं पर गिरा। इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया एक चक्रा, वो गांव का नाम एक चक्रा गांव नाम पड़ गया। इसलिए यहाँ पर पितामह भीष्म हैं भगवान को कह रहे, बोले प्रभु मेरे विजय सखे रति मस्त में अनबद्ध। हर समय हमारी जो प्रीति है अर्जुन का सखा वो साथ में हो जाए। क्यों? अब अर्जुन के लिए सब कुछ करते हो। बोले एक समय क्या हुआ, जब ये महाभारत युद्ध हो रहा था अर्जुन बहुत सारे सैनिक को मार रहे थे। जब मार रहे थे इतने में दुर्योधन को तो आ गया क्रोध और आ करके और उनका जो हैं कहते जो मुखिया है सेनापति पद में कौन था? पितामह भीष्म। में उन्होंने आ करके पितामह भीष्म को ऐसे उल्टा पुल्टा गाली देने लग गए। कौन? दुर्योधन। बोले अगर पहले पता चलता ना, इन्होंने बोल दिया देखो मैं सब कुछ करूंगा लेकिन पांडवों को नहीं मारूंगा। बोले भैया पांडव तो हमारे मेन शत्रु तो पांडव, आप कहते पांडव को नहीं मारोगे तो युद्ध किस लिए? अब देख रहे अर्जुन कितने सैनिक को हमारा मार रहे हैं, हैं भीम हमारे कितने भैया को भीम ने मार डाले। पता चलता तो पहले आपको सेनापति पद में नियुक्त नहीं करता। उन्होंने बड़ी कारीगरी सुना दी। इसको सुन करके तो एकदम पितामह भीष्म को तावा आ गया। बोले ठीक है कल महाभारत युद्ध समाप्त, कल मैं पंच पांडवों के लिए 5 अस्त्र बनाऊंगा और ये 5 अस्त्र से पांडवों को मैंने समाप्त कर दूंगा। अभी उन्होंने 5 अस्त्र बनाया, कल पांडवों को मार डालेंगे। इतने में कृष्ण ने देखा गड़बड़ी हो गया, मैंने तो बोला मेरे भक्तों का विनाश नहीं है, हैं बुआ को भी मैंने प्रतिज्ञा करके बताए। इतने में दिन भर युद्ध हुआ, सबके सब लेट हुए सो रहे क्यों सवेरे फिर युद्ध होगा, हैं दिन भर युद्ध करके सोए हुए लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आ रही, कृष्ण को नींद नहीं आ रही है। कृष्ण क्या कर रहे हैं? इधर से इधर उधर से उधर प्लानिंग कर रहे हैं। कृष्ण प्लानिंग बना रहे हैं अभी कई समय भक्तों को रख, मतलब यहाँ पर दिखा रहे हैं जो भगवत शरणागत जो भक्त है। बोले जिन्नी बाल रख रखे मेहतारी, जैसे माँ जैसे बच्चों को रक्षा करती हैं उसी तरह जो शरणागत भक्त हैं उनको ठाकुर जी हर समय उनको रक्षा करते हैं। जैसे अगर बच्चा माँ की गोद पर सर रख करके सो जाए ना एकदम निश्चिंत से सो जाते, क्यों? माँ की गोद में सर रख करके सोया हुआ है। इसलिए भगवान भक्तों को रक्षा करते हैं। देखो भक्त तो सोच नहीं रहे, भक्त रुद्र सो रहे हैं, वो तो नाक डाकर सो रहे, कोई चिंता नहीं। लेकिन नींद किसको नहीं आ रही है? कृष्ण को नींद नहीं आ रही, प्लानिंग कर रहे हैं क्या करना क्या करना, भक्तों को कैसे बचा। मतलब यहाँ पर सिखा देते हैं भगवान के चरण में शरणागत एक बार हो जाओ ना, सब दुख दूरे गेलो चिंता ना रही लो, चौधरी के आनंद देखी आत्मनिवेदन तुआ पद करी हईनो परम सुखी। जब भगवान के चरण में आत्मनिवेदन कर दो बस सारा दुनिया में आनंद ही आनंद है। लेकिन इतना हमसे नहीं हो पाता है, हाँ इतना नहीं हो पाता है। इसलिए इतने में कृष्ण प्लानिंग कर रहे, अर्जुन सोया हुआ था, कृष्ण जाकर अर्जुन को पकड़े, हे अर्जुन उठो उठ अर्जुन। अर्जुन बोले क्यों नींद बिगाड़ रहे हो, कल सवेरे फिर युद्ध करना, दिन भर युद्ध कर थक गया कल फिर युद्ध करना, मेरा नींद को क्यों खराब कर रहे हो, उठा मत। सो गए। बोले अर्जुन उठो। बोले क्यों? बोले तुमको पता है? बोले क्या? बोले पितामह भीष्म 5 बाण बनाए और कल पांडवों को मार डालेंगे, तुम खत्म हो जाओगे कल 5 बाण। बोले अच्छी बात है, न्यूज पेपर का हेडिंग में आ जाएगा कृष्ण का 5 भक्त थे मर गए। बोले यही तो चिंता है, यही तो चिंता है, मेरे भक्तों का विनाश नहीं, भक्त विनाश हो जाएगा तो मेरे को यही चिंता, मेरे को नींद नहीं लाने दे रहा है, हैं? इसलिए उठो, जोर जबरदस्ती उठाए। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले तेरे को याद है? बोले क्या है? बोले दुर्योधन को जब तुमने रक्षा किया था गंधर्व से, महाभारत युद्ध देखे होगे ना, जब उनको अपमान करने के लिए गंधर्व को साथ में गए
जब उन्होंने बचाया, उन्होंने किया था, जो वर मांगोगे वो वर मैं तुमको दूंगा, बोले समय आने पर वो वर मांग लूंगा, बोले उसी समय जा वर मांगो, बोले किया, बोले केवल दुर्योधन का पोशाक लेकर आ गया और कुछ करने की जरूरत नहीं। और दुर्योधन का जैसे टोन बना करके ना पितामह भीष्म भजन कर रहे हैं, अपना उसका दुर्योधन का पोशाक को लाओ, उसको पहनने पर ना कैसे लगता है, जैसे जिसका पोशाक पहन को वैसे लगेगा, दुर्योधन का पोशाक पहन करके जाओ और टोन को बदला करके बोले मैं दुर्योधन हूँ, क्यों आप पितामह होकर मारोगे, आप तो बताया था मारोगे नहीं, ये पंचबाण मेरे को दे दो बस मैं मार डालूंगा, आपको दोष नहीं होगा, बस अपना टोन को बदला कर रहे हो बस काम हो जाएगा बात। अर्जुन गया और जा करके पितामह भीष्म से रात रात ना भजन कर रहे थे, और वो ड्रेस वो देकर लगा जैसे दुर्योधन पांच बाण लेकर चले आए। जब लेकर के आए थोड़ी देर बाद में दुर्योधन गया, बोले पितामह भीष्म सब ठीक ठाक है, बोले अच्छा हुआ तुमने पांच बाण को लेकर चला गया, मेरे ऊपर दोष लगता। बोले कौन सा पांच बाण, बोले अभी अभी तू आया था ना, अभी अभी तो तू पांच बाण को लेकर गया। बोले ओ अर्जुन इसलिए आया था मेरे पास में, और ये मेरे ड्रेस को इसलिए मांग करके लाया था, हाँ इसलिए यहाँ पर कहते विजय सखे, मतलब अर्जुन का सखा है उसी में मेरे मति रहे, कारण है आप अर्जुन के लिए सब कुछ करते हो, अर्जुन के लिए अपने सब कुछ अर्जुन के लिए आप करते हो, अगर मेरे अगर ऐसे कृष्ण को चरण में रहती रहेगा तो आप भी मेरे लिए भी सब कुछ आप करोगे। इसलिए कल हम सुनेंगे फिर इसको बाद में उन्होंने क्या कहते हैं, वो टीकाकार कहते हैं क्या आप यही चाहते हो अर्जुन के अंदर में, अर्जुन का जो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति, आपने बताया ना, और आप तो कौन है, आप पितामह है ना द्वादश में, आप यही तो स्थापन करना चाहते हो, अर्जुन का भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति, इससे कोई श्रेष्ठ भक्ति नहीं, ये चीज़ को स्थापन करना चाहता। बोले नहीं 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 ऐसी बात नहीं, अर्जुन से भी ज़्यादा भक्त कोई है। फिर उन्होंने ललित गति विलास बलग्वास, फिर ब्रज गोपियों की भावना को उन्होंने प्रार्थना करेंगे, जगत में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, ये ब्रज गोपियाँ हैं, सर्वश्रेष्ठ लीला रासलीला है, रासलीला ही सर्वश्रेष्ठ लीला, और उनको ब्रज गोपियाँ ही इनके कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त, ये ब्रज गोपियाँ, इसलिए पितामह भीष्म बड़े सुंदर सुंदर यहाँ स्तुति कर रहे हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की वंशा कल दुर्भ्य कृपा सिंधु भय वच पतितानं पावने भो वैष्णव भो नमः।